तो एक महान खिलाड़ी माने जाते हैं रतन कुमार। और इस गेंद को उठा दिया है, पहली गेंद को सीमा रेखा के बाहर जाते हुए 6 रनों के लिए शर्मा साउंड छक्का। और ये काफी बाहर गेंद और बाय का इशारा वाइड का, 3 अतिरिक्त रनों के सहारे 7 रन पर पहुंचता हुआ लोहरा टीम का स्कोर। और ये गेंद ऑफ स्टंप को छोड़ते हुए पैर का इशारा वाइड का, और उधर बाई में भी 4 रन मिलता हुआ तो स्कोर में 5 रनों का इजाफा होता हुआ। सॉरी रतन इस गेंद को उठा दिया 6 रनों के लिए। तो इस समय काफी आक्रामक मूड में नजर आते हुए रतन कुमार। और इस गेंद को उठाना चाहते थे लेकिन पैर का इशारा वाइड का, तो काफी वाइड गेंद इस ओवर में डाली जा चुकी है। और काफी अच्छी गेंद बल्लेबाज को छगती हुई सीधे विकेट के पर दस्तानों में। और इस गेंद को आगे बढ़कर खेलना चाहते थे लेकिन गेंद ऑफ स्टंप से ज्यादा बाहर, और रतन ने ऑफ स्टंप से बाहर निकलते इस गेंद को खेलना चाहते थे लेकिन गेंद अच्छी तरह से बॉल पर नहीं आई। और इस गेंद को उठाना चाहते थे लेकिन गेंद और बल्ले में कोई मिलन नहीं, सीधे विकेट के पर दस्तानों में जाती हुई। और ये फुल टॉस गेंद, और उधर बाई के रूप में मिलता हुआ। साथ 23 रन पर पहुंचता हुआ लोहरा टीम का स्कोर पहले ओवर के समाप्ति पर। अब क्षेत्र रक्षा इस समय और यहां पर आउट होते हुए भूषण कुमार वापस पवेलियन, जो कि अभी तक खाता भी नहीं खोल पाए हैं। और यहां पर गेंद काफी उछाल और उतार का इशारा, और ये काफी शॉर्ट पिच गेंद, और बल्लेबाज समझ नहीं पाएंगे गेंदों को। और इस गेंद को खेलना चाहते थे लेकिन गेंद और बल्ले में कोई मिलन नहीं, तो काफी अच्छी गेंदबाजी कराते हुए। और इस गेंद को लेग साइड के क्षेत्र में खेलना चाहते थे लेकिन, और ये शॉर्ट पिच गेंद को खेल दिया है गेट में, वहां पर कोई क्षेत्र अच्छा नहीं, गेंद सीधे सीमा रेखा के बाहर जाते हुए शर्मा साउंड चौका। और इस गेंद को फिर से उठा दिया है सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए शर्मा साउंड छक्का। पेनाल्टी पर लोहरा टीम का स्कोर 34 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और इस गेंद को खेलना चाहते थे लेकिन अंतिम समय में अपने बल्ले के मुंह पर रोका, अगेन सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में जाते हुए बिना किसी रन के। आक्रामक बल्लेबाज माने और इस गेंद को उठाना चाहते थे लेकिन इस गेंदबाज ने, और इस गेंद को उठा दिया सीमा रेखा के बाहर जाते हुए 6 रनों के लिए शर्मा साउंड छक्का। और गेंद काफी अच्छी, और यहाँ पर इस ग्राउंड फ्लोर अगर देखा जाए तो गेंदे कोई कोई इतना नीचे रहती है कि बल्लेबाज परेशानी में पड़ जाते हैं। और काफी अच्छी गेंदबाजी कराते हुए और ओवर का समाप्ति, तो 3 ओवर के समाप्ति पर 40 रन लोहरा टीम का स्कोर, तो काफी अच्छी गेंद।
पुरस्कार दिया जाएगा और इस गेंद को उठा दिया है यहां पर छक्का छक्का और यहां पर शानदार कैच लपकते हुए तो पहले बैटिंग अगर बात किया जाए तो काफी ऑलराउंडरों से भरपूर मानी जाती है तो इस गेंद को निकाल दिया है यहां पर कोई छत्राक्ष मौजूद नहीं चार रनों के साथ खाता खोलते हुए बिहारी सर्वेश्वर चौका सभी खिलाड़ी 18 वर्ष से भी कम उम्र के और इस गेंद को खेल दिया हालांकि वहां पर छत्राक्ष मौजूद है तब तक बल्लेबाजों के पास एक रन लेने का मौका और इस गेंद को उठाना चाहते थे लेकिन काफी चतुर गेंदबाज से भी ज्यादा नीचे जाती हुई गेंद और इस गेंद को खेलना चाहते थे लेकिन गेंद उनके पैर से टकराई 14 गेंद पर 18 रन बनाकर बल्लेबाजी करते हुए रतन कुमार जो कि और नॉन स्थाई छोर पर बिहारी कुमार इन्होंने 2 गेंदों पर 5 रन बनाकर बल्लेबाजी करते हुए 4 ओवरों के समाप्ति पर लोहरा टीम का स्कोर 45 रन और इस गेंद को करते सार खेल दिया वहां पर छत्रक्ष मौजूद ये अपना पहला ओवर इस समय और इस गेंद को खेल दिया है वहां पर कोई छत्रक्ष मौजूद नहीं तब तक बल्लेबाजों के पास एक रन लेने का मौका और इस गेंद को खेल दिया था लेकिन बेहतर फील्डिंग यहां पर किया गया देवड़ी के क्षेत्ररक्षण द्वारा किया गया अभी तक इस ग्राउंड पर और इस गेंद को उठा दिया है 6 रनों के लिए सर्वेश्वर छक्का किया जाए तो उन्होंने 24 रन के स्कोर में 4 छक्के लगाए हैं तो मैं चाहूंगा अपने लाइन्समैन से की गेंद को जल ढूंढ कर फेंका जाए तब तक दूसरी गेंद को दिया जाए चार छक्के लगाए हैं अभी तक 24 रनों का स्कोर में तो काफी अच्छी गेंद और काफी नीची रहती हुई लोहरा टीम का स्कोर और यहां पर आगे बढ़कर खेलना चाहते थे लेकिन गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेकर सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में जाती हुई तो 24 रनों के स्कोर पर वापस पवेलियन जाते हुए रतन कुमार 45 गेंदों पर 103 रन बनाए थे नबाद पारी खेले थे तो अब काफी जिम्मेदारी होगी साहित के कंधे के ऊपर और इस गेंद को उछाल दिया है वहां पर कोई छत्राक्षण मौजूद नहीं तो यहां पर गेंद सीमा रेखा के बाहर जाते हुए 4 रनों के लिए तो बिहारी ने देखा कि वहां पर काफी गैप नजर आता है उस गैप में गेंद को निकाल दिया बिहारी ने 4 रनों के लिए इसी के साथ बिहारी का स्कोर 10 रनों पर पहुंचता हुआ और लोहरा टीम का स्कोर 56 रनों पर पहुंचता हुआ और एक काफी अच्छी गेंद बिहारी जैसे बल्लेबाज को छकाते ही सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में जाती गेंदबाजी के लिए जानी जाती है देवड़ी की टीम और इस गेंद को खेल दिया हालांकि वहां पर छत्ररक्षण मौजूद है तो छत्ररक्षण को भेदना आसान नहीं है और इस गेंद को उछाल दिया है वहां पर कोई छत्ररक्षण मौजूद नहीं तो काफी गैप नजर आता हुआ और उसी गैप में गेंद को खेलते हुए बिहारी और उनका स्कोर 14 रनों पर पहुंचता हुआ और इधर लोहरा टीम का स्कोर 60 रनों पर पहुंचता हुआ तो इस गेंद को पर विकेट का पतन होता हुआ बिहारी जो कि 14 रनों पर वापस पवेलियन आते हुए
अफजल ने इस गेंद को खेल दिया है, हालांकि वहां पर क्षेत्ररक्षक मौजूद है, सिर्फ एक रन मिलेगा और इसी के साथ खाता खोलते हुए अफजल अपना और 61 रन पर पहुंचता हुआ लोहारा टीम का स्कोर। और इस गेंद को निकाल दिया है, हालांकि वहां पर क्षेत्ररक्षक मौजूद है, तब तक बल्लेबाज ने अपना खाता खोलते हुए एक रनों के साथ और इधर सही ने इस गेंद को खेल दिया है एम्पायर का इशारा, 6 रनों के लिए तो सर्वसाउंड छक्का। और इस गेंद को उछाल दिया था, यहां पर खतरा हो सकता था और यहां पर देखते हैं हालांकि कैच हो सकता था लेकिन काफी उनके पहुंच से दूर थी गेंद, हालांकि कोशिश बहुत जबरदस्त किया गया था। और तो यहां पर ओवर का समाप्ति होता हुआ, 7 ओवर के समाप्ति पर लोहरा टीम का स्कोर 70 रन 4। और विशाल की गेंद ऑफ स्टंप से ज्यादा बाहर जाती है और एम्पायर का इशारा वाइड का। और इस गेंद को उठा दिया है, 6 रनों के लिए सर्वसाउंड छक्का। तो शाहिद कुमार क्या लाजवाब बल्लेबाजी की है इन्होंने, लीग मैच में भी 103 रनों की नॉट आउट पारी खेली थी और क्वार्टर फाइनल में भी अच्छी बल्लेबाजी करते हुए अभी तक 14 रन पर जिनमें 2 छक्के लगाए गए हैं शाहिद के बल्लों से। और इस गेंद को खेलना चाहते थे लेकिन गेंद पूरी तरह से छकाती हुई सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में जाती हुई। और इस गेंद को कवर के क्षेत्र में खेल लिया बल्लेबाज, तब तक 1 रन लेने का मौका और इसी के साथ स्कोर 78 रन पर पहुंचता हुआ। और इस गेंद को खेल दिया है 1 रनों के लिए, इस समय बल्लेबाजी करते हुए शाहिद। और इस गेंद को खेल दिया है, हालांकि वहां पर क्षेत्ररक्षक मौजूद थे, हालांकि यहां पर चांस हो सकता था लेकिन गेंद उनसे पहली उनके पहुंचने से पहले चापा खाती हुई। और इस गेंद को उठा दिया है अफजल ने 6 रनों के लिए सर्वसाउंड छक्का। तो इस छक्के के साथ 9 रनों पर पहुंचते हुए अफजल और इधर टीम का स्कोर 86 रन पर पहुंचा हुआ 8 ओवरों की समाप्ति पर। और शाहिद ने फिल्टेस्ट गेंद का भेज दिया है सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। और फिर से इस गेंद को उठा दिया है 6 रनों के लिए सर्वसाउंड छक्का। तो शाहिद कुमार दिल से आक्रामक मूड में नजर आते हुए इस केडीआई स्टेडियम में, जो कि क्वार्टर फाइनल का दूसरा मुकाबला लोहरा बनाम देवरी के बीच चलता हुआ। और ये गेंद काफी ज्यादा बाहर और बार का इशारा वाइड का। शाहिद ने इस गेंद को उठा दिया 6 रनों के लिए सर्वसाउंड छक्का। तो हैट्रिक छक्का लगाते हुए शाहिद कुमार और एक तरह से यहां पर और उसी तरह उसी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए इस क्वार्टर फाइनल मैच में। और एक गेंद ऑफ स्टंप को छोड़ते हुए पैर का इशारा वाइड का।
और गेंद काफी ऑफ साइड को छोड़ती हुई और ऐसी गेंदबाजी के लिए जानी नहीं जाती है तेवड़ी की टीम, लेकिन शायद शायद का जो बल का खास है इस समय तो तेवड़ी टीम के गेंदबाजों के ऊपर, उसी खास के चलते लाइन लेंथ भटकती हुई तेवड़ी की टीम। और इस गेंद को उठाना चाहते थे लेकिन गेंद और बल्ले में कोई मिलन नहीं, सीधे विकेट कीपर की दास्तानों में जाते हुए। और इस गेंद को उठाना चाहते थे लेकिन गेंद और बल्ले में कोई मिलन नहीं, सीधे विकेट कीपर की दास्तानों में जाती है साहिब ने। और इस गेंद को उछाल दिया है यहाँ कोई चित्राक्षर मजबूत नहीं, चार रनों के लिए 38 रनों पर पहुंचा हुआ साहिब का स्कोर। और इधर लोहरा टीम का स्कोर 111 रनों पर पहुंचा हुआ। और इस गेंद को निकाल दिया है लेकिन वहां पर चित्राक्षर मौजूद है, तब तक ऑफिसल द्वारा एक रन पूरा करते हुए, और ऑफिसल का अगर स्कोर को देखा जाए तो 10 रनों पर पहुंचते हुए अफजल कुमार, जो कि 5 गेंदों पर 10 रन बनाकर इस समय 9 स्ट्राइक छोड़कर। और इधर साहिद कुमार जो कि एक आक्रामक बल्लेबाज माने जाते हैं अपनी टीम के लिए, और उसका यहां पर परिचय पहले ही लीग मुकाबला में जो कि 17 लीग मुकाबला था इस ग्राउंड पर, और उसमें 103 रनों की नाबाद पारी खेली थी साहिद, और इस समय 38 रनों के स्कोर पर बल्लेबाजी करते हुए साहिद कुमार। साहिद ने इस गेंद को खेल दिया, हालांकि वहां पर क्षेत्र से मौजूद है, सिर्फ एक रन मिलेगा। और इसी के साथ 113 रनों पर पहुंचता हुआ लोहरा टीम का स्कोर। और इस गेंद को छान दिया है इंतजार का इशारा, 6 रनों के लिए सर्वसाउंड छक्का। तो काफी लंबा बैटिंग लाइनअप जो है लोहरा टीम का। और इस गेंद को उठा दिया लेकिन गेंद का बाहरी किनारा लेकर गेंद गई, और देखते हैं यहां पर एम्पायर का इशारा और आउट। तो यहां पर काफी बेहतरीन कैच नहीं दिया उस गेंद को, और अफजल जैसे बल्लेबाज को वापस जाना पड़ा। अफजल का स्कोर जो कि, और ये काफी नीचे गेंद बल्लेबाज के अनुमान से कहीं ज्यादा नीचे, और यहाँ पर ओवर का समाप्ति होता हुआ। तो 10 ओवरों की समाप्ति पर लोहरा टीम का स्कोर 119 रन 5 विकेट के नुकसान पर। मैं एक बार फिर से अपने सभी कमेटी के सदस्यों साहिब ने इस गेंद को खेल दिया है स्क्वायर लेग की तरफ, वहां पर क्षेत्र मौजूद, तब तक बल्लेबाजों के पास एक रन लेने का मौका, और इसी के साथ 120 रनों पर पहुंचता हुआ लोहरा टीम का स्कोर। हमारे समय डालते हुए विशाल कुमार, और इस गेंद को उठा दिया है यहाँ पर क्षेत्र अंतर है, और यहाँ पर विकेट का पतन होता हुआ समय के बाद, जो कि 0 रन बनाकर वापस पवेलियन जाते हुए इन्होंने खाता भी नहीं खोला। बल्लेबाज मनु कुमार जो कि स्ट्राइक लेंगे उनके सामने लंबे ऊंचे कट के बॉलर, लेकिन पहुंच चुके हैं तथा टीम को ट्राई कर दिए हैं और बॉल पर एक रन पूरा किए और रिकॉर्ड फिर खोलते हुए बॉलर पवन कुमार जो कि फील्ड एंड फोर्थ गेंदबाजी कराते हुए उनके सामने आकर पर होंगे बल्लेबाजी करते हुए समय सही, जो कि पिछले मैच में 47 गेंदों पर 103 रनों की नॉकआउट पारी खेलकर, तो विकास कुमार की अगली गेंद बहुत अच्छी गेंद थी, हालांकि गेंद को काफी लंबा ऊंचा सर्वा साउंड छक्का लगता हुआ, तो इस छक्के के सहारा स्कोर क्या पहुंचा 127 रनों पर पहुंचा हुआ लोहरा टीम का स्कोर। तो साहिद कुमार 52 रनों के स्कोर पर पहुंचते हुए इस छक्के के साथ
और इधर लोहिया टीम का स्कोर देखा जाए तो 133 रनों के स्कोर पर पहुंचती हुई लोहरा की टीम। सही जो कि अभी तक सीरीज में दिखाई दे रहे हैं, सीरीज में चल रहे हैं। एक बार फिर सर्वस्थान छक्का लगाते हुए शहीद। तो यहां पर ये इस पारी में दूसरा हैट्रिक छक्का लगाते हुए शहीद कुमार और 58 रनों के स्कोर पर पहुंचते हुए शहीद कुमार। क्या लाजवाब बल्लेबाजी की है शहीद ने, क्या कहना चाहेंगे पिंटू बाबा। मेरा टीम का स्कोर 139 रन 6 विकेट के नुकसान पर। तो पारी का पहला ओवर शुरुआत करते हुए रिवर एंड छोटे के बाद उनके सामने स्ट्राइक लेंगे मनु। हालांकि मनु कुमार का पारी का अंत होता हुआ और हमारे इंसान का इशारा नो बॉल, तो मनु कुमार का जीवन दान मिलता हुआ और फिर का कितना फायदा उठा पाएंगे मनु कुमार, देखने का फायदा कितना उठा पाएंगे मनु कुमार। खेल दिया है काफी, हालांकि केंद्र सीधे जाकर कीपर के दस्तानों में समाई, तो फिर ही का फायदा नहीं उठा पाए मनु कुमार। देखने के लिए लाइक है टीम तगड़ी के और चलते हो ठीक हमारे आवाज को सुन रहे हो मनु कुमार, लेकिन तो लेफ्ट साइड में बोलते हैं तो सर्वस्थान छक्का लगता हुआ इस छक्के के सहारे स्कोर का पहुंचा। तो इस छक्के के साथ लोहा टीम का स्कोर 146 रनों पर पहुंचा हुआ। तो मनु समय का मौका कर रहे हैं और लेकिन दोनों बल्लेबाजों के पास इतना मौका था अपना स्कोर बदलने के लिए। अगर तैयार है और जाकर सीधे ऊपर के दस्तानों में समाया। अभी भी हम रनों पर बल्लेबाजी करते हुए शहीद कुमार, उनके सामने है गेंदबाज अमन कुमार। लेकिन मना किया मनु कुमार ने सही फैसला, तो इस ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर 148 रनों पर पहुंचता हुआ पर लोहरा टीम का स्कोर 154 रन 6 विकेट के नुकसान पर। और यहाँ पर गेंद बाउंड्री के बाहर जाती हुई बाई के रूप में और उपाय का इशारा वाइट का, तो 5 रन स्कोर में इजाफा होता हुआ इसी के साथ 159 रनों पर पहुंचता हुआ लोहरा टीम का स्कोर 13वां ओवर प्रगति पर। लोहरा टीम का स्कोर और यहां पर बोलो इस बार का इशारा आउट का, तो शहीद कुमार वापस पवेलियन जाते हुए और मैं अपने स्कोर से जाना चाहूंगा शहीद कुमार का जो स्कोर है वो बताएंगे। तो शहीद कुमार क्या लाजवाब पारी खेली आज इस केडी राय स्टेडियम में, इन्होंने 7वां लीग मुकाबला में 103 रन की पारी खेली थी और इधर क्वार्टर फाइनल में 67 रनों का योगदान देकर एक महत्वपूर्ण पारी खेलकर
वापस पवेलियन जाते हुए हर्ष कुमार और काफी अच्छी गेंद हालांकि बैठ गए नीचे सासला कर गेंद शॉर्ट लेग की तरफ गई है जब तक चेक फील्ड किया जाता गेंद को दोनों बल्लेबाजों ने अपना छोर बदलते हुए तो केजीडीआई स्टेडियम पर दर्शकों की संख्या देखा जाए तो लोहरा टीम का स्कोर 163 रन 7 विकेट के नुकसान पर तो मात्र 6 गेंद का यहां पर खेल बचा हुआ है इस पारी का तो इसी भी चकनी गेंद हालांकि काफी अच्छी गेंद थी और गेंद को फेंक दिया है लेकिन गेंद को सर्विस पर फेंक दिया गया उतने ही दोनों बल्लेबाजों में उतना ही अच्छा रहेगा इसी भी चकनी गेंद और फुल टॉस गेंद थी हालांकि काफी अच्छी गेंद थी लेकिन लेग स्टंप को छोड़ती हुई और हमारे एम्पायर से वाइड करार दिए और गेंद हवा में है उसके लिए खिलाड़ी क्या कैच कर पाते हैं या नहीं हालांकि आसान सा कैच और आउट होकर वापस पवेलियन में जाते हुए उनकी अगली गेंद काफी अच्छी गेंद थी एयरकम लाइन की गेंद थी समझ नहीं पाए उनके बैट और कैच तो पीस से निकल गए सीधे जाकर कीपर के दस्तानों में समाई काफी अच्छी गेंदबाजी और आखिरी ओवर के प्रगति पर अपने टीम के लिए और सोची गेंद थी हालांकि गेंद को खेलना चाहते थे लेकिन हमारे एम्पायर ने बैट्समैन के बाला से निकलल छक्का इस समय आखिरी ओवर चल हुआ और काफी अच्छी गेंद थी हालांकि नीचे से गेंद को खोद कर निकाल दिया है गेंद को जब तक बाउंड्री लाइन से फेंक दिया जाता है बल्लेबाजों ने आखिर के सामने कर कर दूसरा रन चुराना चाहते थे लेकिन रन आउट होकर वापस पवेलियन में जाते हुए 14 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर